वीडियो में जो करेक्टर हैं वो काल्पनिक हैं, इनको वास्तविक न समझा जाए। ये तो हमने अपने वीडियो आपके सफर आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। सर सर मेरा सर एक दोस्त है सर, वो मुझसे सर थोड़ा बड़ा है सर, सर थोड़ा 20-25 साल का है सर, लेकिन सर फिर भी मैं उसको अपना दोस्त ही कह देता हूँ कि सर उसको सर क्या है कि वो सर थोड़ा ऐसा है कि उसको सर बीमारियाँ लगी ही रहती हैं हमेशा। अच्छा सर, वो हमेशा सर जल्दी जल्दी बीमार है सर, कमजोर नहीं वो महाकमजोर है सर। अच्छा हाँ सर, वो कमजोर नहीं सर, वो है महाकमजोर। वो सर वो एक तरीके से उसका सर ऐसा है, वो आड़ा टेढ़ा है सर, मोटा ही मोटा है सर, यहाँ से उसकी हाइट तो नहीं सर, मोटा है वो। और सर उसका नाम है सर रामदेवास, सर रामदेवास चतुर्वेदी सर उसका नाम। अच्छा जी, उसकी सर वैसे सर मैं कहता हूँ किसी से अगर कुछ काम मत करे सर, अच्छे अपने काम में दिमाग लगा सर, लेकिन वो सर ऐसा तो उसकी सर बुद्धि भी सर थोड़ी ख़राब है सर। तो सर उसका सर जो अपना जो पागलपन का एपिसोड है सर, वो अगले एपिसोड में आएगा, तो सर दर्शकों को जरूर देखिएगा। तो उसके सर नाखून जो है सर वो थोड़े सर ऐसे हैं कि मतलब सर उसको सर जब सर मंदिर में कोई प्रसाद देता है ना सर, नाखून देखते रहा प्रसाद को राम राम मना कर देता है सर उसका। अच्छा, सर टेड़े वेड़े हो रहे इतने गंदे नाखून हो रहे हैं सर उसके कि सर कोई ऐसा अपन सर प्रसाद बांटने जाते हैं मंदिर में कि ये लो ये लो ये लो, सर बर्थडे पे सर कोई उसका प्रसाद नहीं लेता, केक नहीं लेता उसका सर, कोई पर्सन नहीं लेता सर, ऐसा है उसके हाल। तो सर अब सर उस टेढ़े आदमी के लिए सर आप कुछ सर उसके टेढ़े नाखूनों के लिए कुछ आप सलाह दें सर। देखिए टेढ़े नाखूनों में भी जैसे गंधक और फास्फोरस की कमी के कारण ऐसे हो जाते हैं। नाखूनों में क्या है कि अगर व्हाइट नाखून है तो खून की कमी के कारण हो रहा है जी, और अगर नाखून कमजोर हो गए तो फास्फोरस और सल्फर की कमी है जी। तो इसको पर्याप्त मात्रा में लाने के लिए अपन को चुकंदर, भोजन में चुकंदर और सलाद पर्याप्त मात्रा में खाएं। सलाद में ककड़ी, टमाटर, ये प्याज ये ले सकते हैं, और चुकंदर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जो सफ़ेद वाइट नाखून हो गए ना तो वो चुकंदर खून बढ़ाने का काम करती है, इसलिए एक तो ये है। दूसरा क्या है, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये दोनों उसी के लिए नाखून के लिए उपयोग में आते हैं, गंधक तत्व की कमी को, शरीर में जो गंधक की कमी हो जाती है सल्फर की, उसी से ये रोग पाए जाते हैं। जैसे बालों का झड़ना हो, नाखूनों का टूटना, उसमें टेढ़े मेढ़े हो जाना, ये गंधक फास्फोरस और आयरन की कमी से ही होते हैं। तो आप कच्चा फूल गोभी और पत्ता गोभी उनको सलाद के रूप में खाएं या उनकी सब्जी भी ले सकते हैं। दूसरा है चुकंदर, आलू, चुकंदर, टमाटर, प्याज, इनको सलाद के रूप में लें। तो ये उनसे कहें कि ये प्रतिदिन लेना है, करीब करीब डेढ़ दो महीने तक जी। तो उनका जो नाखूनों की नेल्स प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, नाखून मजबूत हो जाएंगे, और जैसे जो वाइट नाखून हो रहे हैं या ऐसे कलरदार हो रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सर ये सर वो थोड़े ऐसे हैं सर पगले टाइप के, तो सर वो उनके लिए सर वो कहते हैं जूस से मुझे एलर्जी है सर, तो चुकंदर के जूस से मुझको एलर्जी है सर। पहले 6 महीने पहले कहते थे कि मैं सिर्फ चुकंदर का जूस ही पीता हूँ और कुछ नहीं पीता। सर अभी सर जब उनका पता चला ना कि नाखून से सर थोड़ा सही हो जाएंगे वो, तो सर उनके साथ टेढ़े नाखून से बड़ा प्यार है उनको, तो वो कह रहे हैं कि मुझको चुकंदर का जूस पसंद नहीं, मुझको एलर्जी है। नहीं, दवा के रूप में तो लेना पड़ा, एलर्जी एलर्जी के अभी पहले जो बता रहे थे ऐसे आयुर्वेदिक चीजों से क्या एलर्जी होती बताइए। तो कोई तो सर कितने पगला आदमी है, मतलब सर नॉर्मल करके पिला देंगे उनको तो, और क्या जबरदस्ती पिलाना पड़ा। चुकंदर कोई एलर्जी थोड़ी है, और क्या, हमने तो धूल मिट्टी और जिनसे एलर्जी सुनी, कचड़े से, राख से, ये के चुकंदर के जूस से क्या एलर्जी। कमाल के आदमी, अपन जूस भी नहीं पिला उनको, तो काट के देना है चुकंदर आपको सलाद के रूप में देना है। सर देता कौन है सर, अभी देर से आते हैं जूस के कह रहे हैं ना, जूस थोड़े हमें, तो काट के देना है उनको, मूली वगैरह ये टमाटर उसके साथ चुकंदर दीजिए सर, और फूल गोभी पत्ता गोभी की सब्जी खिलाइए या उनको कच्चा खिलाइए जी। सर वो क्या है कि दिन भर सर वो कुछ सर एक कार है सर, उसमें भ्रमण करते रहते हैं, वो एक घटिया सी कोई सी कार उनकी खटारा सी, तो सर उसमें सर उनके चुकंदर सर देना सर थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सर इसके अलावा सर और कोई है उपाय कि उनको सर कुछ दे दिया। फूल गोभी दो, आपने देखो गोभी देखा है जी, कॉलीफ्लावर्स, उसमें आपने देखा होगा जो पीला पीला येलो पार्ट देखा है देसी फूल गोभी में, जो येलो 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 पार्ट देता है ना, वो सल्फर की मात्रा होती है, सल्फर पाया जाता है उसमें। ऐसे ही उसमें बंद गोभी पत्ता गोभी में भी रहता है, लेकिन फूल गोभी में ज्यादा सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो सर ये नाखून तो सर अपन भी सीधे करवा देंगे सर, वो अचानक चिल्लाने भी लगते हैं, मतलब सर पागलपन के भी दौरे पड़ते हैं। तो सर इसका सर अगर आप अगले एपिसोड में कुछ अगले एपिसोड में बनाऊंगा, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा इसका, ये दौरे जो पड़ते हैं ना।
उसमें नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। सर हम तो सर हमने आगरा की पागल खाने भी नहीं, 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 नहीं मैं बताऊंगा घर पे सर कुछ उपाय हो जाए, घरेलू उपाय बताऊंगा मैं जी सर। आज सब इसे घर जाकर उन्हें नहलाना भी पड़ता है जी सर। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैंने जो वीडियो में जो करेक्टर हैं वो काल्पनिक हैं, इनको वास्तविक न समझा जाए। ये तो हमने अपने वीडियो आपके सफल आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, तो ये तो केवल अपने सहायता के लिए रखे गए हैं, इनको वास्तविक न समझा जाए। नमस्कार।